दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। 2022 में मुश्किल से 5 या 6 दिन बीते हैं और अभी तक ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है ओमिक्रॉन का, ऐसा लग रहा है कि ये नया साल स्टार्ट ही क्यों हुआ। आने वाले पिछले 5 से 6 दिनों में 4 से 5 बड़ी फिल्में पोस्टपोन हो चुकी है, जर्सी से लेकर राधे श्याम तक। और यहाँ पर वलीमाई का ऑफिशियल से अपडेट नहीं आया, अदरवाइज वलीमाई का भी लगभग तय है पोस्टपोन होना, क्योंकि वलीमाई 50% ऑक्यूपेंसी में भी रिलीज कर देते लेकिन संडे को फुल लॉकडाउन है तमिलनाडु में और ये तमिल फिल्म है, सो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जब भी हो ऑफिशियल अपडेट आ सकती है, लेकिन एक ही चीज है कि इन सब चीजों से एक चीज साफ है कि फिलहाल ये महीना और अगला महीना, ये 2 महीना तो मतलब आप भूल ही जाओ कोई भी चीज के लिए, लेकिन सब चीजों का फायदा मिल रहा है पुष्पा को, स्पाइडरमैन नो वे होम को और 83 को लगभग किसी हद तक। यहां पे मैं बात करने वाला हूं पुष्पा के D21 के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी कि इस फिल्म का 3rd वीक का आखिरी दिन, और 3rd वीक का जो 20th डे था यानी कि बुधवार था, 20वां दिन था, उस दिन इस फिल्म ने लगभग 2.25 करोड़ के आसपास तक की अर्निंग की है, उससे कम नहीं की है, जो ऑफिशियल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और उस ऑफिशियल के चलते टोटल हुआ होगा तो 70.44 करोड़ हुआ होगा, यानी कि 70 करोड़ इस फिल्म ने क्रॉस कर लिया होगा अभी तक। अब D21 एक नई उम्मीद के साथ हम होप कर सकते हैं कि जितने भी थिएटर्स, जितने भी स्क्रीन्स बचे हैं वहां पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि मुंबई में भी लॉकडाउन का बात कही जा रही है, अगर 20,000 प्लस केसेस हुआ तो, और फिलहाल 15-16 के आसपास के आसपास केसेस है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां पे 21 डे को इस फिल्म का कलेक्शन 2.25 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक होने की संभावनाएं ज्यादा है, यानी कि 1.75 करोड़ टू 2.25 करोड़ का रेंज इस फिल्म का पकड़ के चलिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ऐसा कलेक्शन हो सकता है, और ऐसा कलेक्शन हुआ तो फिल्म का टोटल होगा 72.19 करोड़ से लेकर 72.69 करोड़ तक का, और ये रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं लगे होते तो इस कलेक्शन और बेहतर होते। और यहां से भी अगर ये सिचुएशन जो 10th से अगर महाराष्ट्र में और एक हफ्ता थिएटर्स खुले रहे, और हिंदी वर्जन वैसे भी 14th के आसपास आ रहा, उसके पहले नहीं आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म अपना 85 करोड़ तक की जर्नी आराम से तय कर लेगी, और 85 से 90 करोड़ तक का इसका लाइफ टाइम रन रहेगा, क्योंकि थिएटर्स बंद होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन संभावनाओं में या फिर ऐसे मुश्किलों में जो होप है, वो होप यही कह रही कि ये फिल्म 85 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए हिंदी वर्जन में लाइफ टाइम के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये चीज अब नहीं रहेगा कि अल्लू अर्जुन कोई नया नवेला स्टार है, अब ये कोई नहीं बोलेगा, सब ये बोलेंगे अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया स्टार है। यस प्रूव्ड 70 करोड़ पार करना जो आज हो ही जाएगा, जो अभी ऑफिशियल आएगा, इतना आसान नहीं है हिंदी वर्जन में, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बेल बॉटम ने 33 करोड़ के आसपास कमाई की, अंतिम ने 39 करोड़ के आसपास कमाई की, एंड 83 इज स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू 100 करोड़, जो 93-94 करोड़ के आसपास झुकी हुई है, जारी धीरे धीरे। तो जब ऐसे माहौल में पुष्पा का स्पाइडरमैन के होते हुए, 83 के होते हुए हिंदी डब वर्जन में 70 करोड़ कमाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है और कोई बच्चों का खेल नहीं है। So always consider Allu Arjun now as a pan India star. You can also call him icon star, bunny, whatever you want to tell. But ek cheez saaf hai, Allu Arjun has proved his mettle at the box office in Hindi dub version. Kal bhi shows dekh raha tha, night shows full the. And this is something next to impossible. But it is possible because Pushpa Raj jhukega nahi thagne liye. Chaliye, fair game.